Hi, hi everyone. Hi, Milind. हेलो। Thank you for joining us. Hi, guys. Welcome to our third session on on LinkedIn Live. And thank you so much, everyone, for joining in. In today's session, we have with us for a candid conversation, and that's how he put it, and that's why he decided that I'm going to sit in the car and relax and chill and have this conversation. So yeah, an absolute candid conversation with Milind Kavatra. I have interacted with him a lot over the past couple of years, and if there is one thing that defines this man is sheer grit and just the audacity to challenge anything that comes his way. And the conversations have always been amazing, and I just thought that yeah, this is an amazing platform to have a conversation with this man so that he can talk about his life, tell us something that he's been working on, and what excites him, what keeps him going. Over to you, Milind. Do you want to say something at the start of the session to our viewers? यार ये ना कैमरे में मिरर इमेज आ रही है, मेरी शक्ल बड़ी अजीब सी लग रही है। आई एम ट्राइंग टू गेट कंफर्टेबल विद दिस। अनदर थिंग यार कि इसमें ना ये नया इंटरफेस था, जो भी है दिस स्ट्रीम यार्ड टेक्नोलॉजी, आई थिंक कि आई एम नॉट एबल टू सी द व्यूअर्स, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी जस्ट लाइक वो कभी कभी होता नहीं, छोटे होते आप स्टेज पे चढ़ते हो, सामने इतनी लाइट आ रही होती है कि आपको कोई नहीं दिख रहा होता, तो फिर आप That's the अपनी best धुन में thing. लगे रहते हो। बस बड़ा Yeah, you काफी should लगा consider है। this to be like life की life भूल जाओ के live है. I think you can just हाँ consider हाँ this to be like a ऑब्वियसली recorded thing which we can एग्जैक्ट। edit नहीं, later. बट द गुड थिंग इज, जैसे स्वाति मैं आपको कह रहा था कि यार इट वुड बी जस्ट लाइक मी एंड यू टॉकिंग, सो आई एम हैप्पी दैट आई कैन सी Absolutely. जस्ट यू एंड आई कैन सी यू क्लियरली, एंड आई एम हैप्पी कि यार कि इट विल बी जस्ट वन ऑफ द मेनी ग्रेट कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव, एंड वुड लव So टू सी glad to यार hear कि that. क्या निकलता है यार अगले आधे पौने घंटे में, बिकॉज आई थिंक दैट ग्रेट Absolutely. कॉन्वर्सेशन जस्ट हैपन, यू डोंट डू देम, दे हैपन। True, true. सो अ लॉट ऑफ I टाइम्स, completely agree. हाँ तो बहुत बार क्या होता है, मैं भी जब किसी के पास जाता हूँ बात करता हूँ, तो बात करते करते मुझे बाद में रियलाइजेशन होती है कि अच्छा यार कि मेरे मुंह से जो जो निकला यार कि वो होता है, देन यू नीड, वो एक बात कहते हैं ना दैट यू नीड सर्टेन पीपल्स प्रेजेंस, कि आप खुद ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद ही ढूंढ के आ जाते हैं उनके पास। Amazing. I just hope that this conversation gives some answers and some solutions to हमारे viewers के problems. And या I think एग्जैक्टली यार, if even one person gets some answer out of the session, it's just worth it for both me and Milind, to be very honest. अगर या एक ट्रू इंसान दैट, को ट्रू भी दैट। एक सोल्यूशन कुछ मिल गया, इट्स लाइक टोटली वर्थ इट फॉर द बोथ ऑफ अस. सो क्विकली स्टार्टिंग ऑन दैट नोट, मिलिंद, दैट्स माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. वाई स्टार्टअप? आई मीन लाइक देयर इज दिस होल थिंग गोइंग ऑन के कॉर्पोरेट जॉब करनी चाहिए, के स्टार्टअप करना चाहिए, एंड आजकल अगर आप बोलो कि आप जॉब में हो तो दैट्स सो अनकूल. अरे तुम अच्छा कंपनी नहीं है, लाइक स्टार्टअप फंडिंग इट्स सपोजिटली कूल, बट व्हाई डिड यू डिसाइड टू गेट इनटू दिस फील्ड? एंड यू बीन इन इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट आई कैन इमेजिन. सो हाउ हैज योर जर्नी बीन एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिल्ड योर ओन थिंग? ओके, सो थोड़ा सा 10 मार्क्स आंसर होगा इसका। सो थिंग इज नंबर वन ओके. कि आई बिलीव, पहले बात था ना, जो मैंने लास्ट 1-1.5 साल में अपनी लाइफ में रियलाइज करा, मतलब 10 साल की जर्नी तो हो गई है, बट वही ना एवरी ईयर हैज बीन ग्रेट लर्निंग थिंग्स। तो आई जस्ट लर्न कि पहले तो ना हमें किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, कॉर्पोरेट जॉब कूल होती है नहीं होती है, या एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप करना कूल होता नहीं होता, दिस इज ऑल स्टूपिड थिंग। सबसे पहले तो हमें ये बंद कर देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आई बिलीव दैट हर कैटेगरी के ना लोग होते हैं, एंड द ओनली पर्पज ऑफ आर लाइफ शुड बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ, बॉटम लाइन कि अपने आप को समझना कि मैं कैसे का इंसान हूं, एंड एवरीथिंग एल्स कि मेरे को स्टार्टअप करना चाहिए या जॉब करना चाहिए या मुझे लाइफ में करना क्या है या मेरे को अपना टाइम मनी एफर्ट इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो सब कुछ उसके बाद पता लगता है आपको। सबसे पहले आपको खुद को पहचानना जानना बहुत जरूरी है, एंड ये जानते हुए कि सही गलत नहीं है ये चीज़, बहुत बार हम अपने आप को भी ना किसी पर्टिकुलर चीज में लेबल करना चाहते हैं, हम वी डोंट लुक एट आवरसेल्व्स विद अ क्वेश्चन मार्क कि हु एम आई और व्हाट एम आई, वी लुक एट आवरसेल्व्स दैट आई शुड बी दिस, एंड देन फिर हम उसको बायस होके ढूंढते हैं, जैसे कि क्या मैं स्टार्टअप वाला हूँ, हाँ यार मैं ये तो करता हूँ, अच्छा मैं स्टार्टअप वाला हूँ, अच्छा ये तो करता हूँ स्टार्टअप वाला हूँ, तो हम पहले ही वो चीज ढूंढ रहे हैं। सो अगर ट्रू. हम ये सोच के कुछ भी लाइफ में जर्नी शुरू करते हैं तो बाद में हमें धोखा मिल जाता है, बाद में रियलाइज करते हो यार आई वाज बायस, जस्ट लाइक हम कोई रिलेशनशिप ढूंढते हैं तो हमें किसी का कोई टॉक्सिक ट्रेड पसंद होता है तो हम सारे रेड फ्लैग्स के आंसर खुद सही कर देते हैं, बट लेटर ऑन वो 6 महीने साल 2 साल बाद हनीमून फेज के बाद रियलाइज होता है कि ओहो यार की क्लैरिटी बाद में आती है, आपको पहले वाला वो चार्म खत्म हो जाता है। तो बड़ी बार जो ट्रू. लोग हम स्टार्टअप को लेकर जो चार्म डालते हैं ना,
हम ये नहीं समझ रहे कि उस स्टार्टअप्स को देखे जब हम जबरदस्ती चाप डाल रहे हैं उसके करके लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जॉब के लोगों में ये आ गया है कि जब भी हम कॉर्पोरेट जॉब्स में परेशानी फेस करते हैं, दिक्कत फेस करते हैं, तो उनको दूर का वो जो हमने एक चार्म बिल्ड कर दिया, उनको लगता है ओहो यार दैट इज द रियल गोल, मुझे तो वो करना चाहिए, अभी या तो मैं स्लेवरी कर रहा हूँ, अभी यू तो मैं लुक एट बहुत ऑल द खराब हूँ। पॉजिटिव्स एसेंशियली, यू या लुक एट ऑल द पॉजिटिव्स एंड यू थिंक दैट दिस इज वेरी नाइस, हंकी डोरी, ये अच्छी चीज है, ऑल द गुड थिंग्स गेट हाईलाइटेड. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड आई वुड गिव यू वेरी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बिकॉज इसकी अदर साइड किसी ने नहीं देखी हुई। ये ना सिंपल सा लॉजिक है कि दूसरी की थाली का लड्डू अच्छा लगता है, तो जब भी आपको अपने लाइफ के इश्यूज लगते हैं, अपनी जर्नी के इश्यूज लगते हैं, अपने अपनी जर्नी के टॉप साइड सबको अच्छे लगते हैं। लाइक कॉर्पोरेट जॉब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को पहली तरीक बहुत अच्छी लगती है, बट बाकी अगली देन सैलरी कम्स राइट, बट अगले 20-25 दिन या जब कोई स्ट्रेस होता है या कोई कोई अपने हायर अप से सुन लेता है तो उसको लगता है यार कि अगर मैं अपना काम कर रहा होता आई तो एम मुझे माई ना ओन मिलता। बॉस. हाँ हाँ या वेरी एग्जैक्टली ट्रू. यार, ऑन द तो वो ना बंदा इस करके फ्रस्ट्रेटेड रहता है बिकॉज इज लाइक वो जा भी रहा है जॉब पे, कहीं ना कहीं मन में चल रहा है यार वो स्टार्टअप का चार्म, स्टार्टअप का चार्म। कॉर्पोरेट जॉब का चार्म कोई नहीं बिल्ड करता, दूर दूर तक ट्रू. कोई नहीं बिल्ड करता। अब मैं दूसरी साइड आके बताता हूँ, मैंने 21 साल की उम्र में आई ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, सो आई टेल माई सन कि बेटा मैं इस कॉलेज में भी पढ़ाऊँ, इसमें पढ़ाऊँ, इसमें पढ़ाऊँ, तो बेटा कहता पापा आपकी डिग्री, मैं कहता हूँ नहीं है। सो आई वॉज लाइक आई वेंट टू फर्स्ट कॉलेज, आई रियलाइज कि मे बी ये गलत है, इससे बेटर में गया, फिर उससे बेटर में गया विद इन द सेम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। सो थर्ड में जब मैंने ड्रॉप करा, आई थर्ड के अंदर ही मैंने हम है माई फर्स्ट वेंचर वो मैंने शुरू कर लिया। तो आज मुझे 10 साल हो गए हैं, आई स्टार्टेड माई थर्ड वेंचर, वो भी पहला चल रहा है, सेकंड इज अ डिजिटल मार्केटिंग थिंग जो चल रहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं बना। मतलब एक तरह मैं भी सोचता हूँ यार कि काश $100 मिलियन बन जाता, वो बाद में डिस्कस करते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं बना। आई एम डूइंग माई थर्ड थिंग, बट ये मैं बहुत लोगों को नहीं बोल पाता कि अंदर मेरे अंदर भी ना अभी भी ये फील होता है यार कि शायद मैं इसलिए नहीं स्टार्टअप बड़ा कर पा रहा क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट जॉब नहीं करी। तो वाओ. अनलाइक या कॉन्ट्राडिक्टिंग टू पीपल्स कॉन्टेक्स्ट, मेरे अंदर कॉर्पोरेट जॉब का चार्म है। मुझे ये लगता है वाओ. कि अगर मैंने किसी कॉर्पोरेट में काम करा होता है यार, कि अगर मैंने कोई जॉब करी होती तो शायद मेरी लर्निंग अच्छी होती, शायद मैं ज्यादा अच्छे प्रोसेसेस बना पाता, शायद मैं बेटर एम्प्लॉई होता, नो डाउट व्हेन आई टॉक टू माय राइट. फ्रेंड्स देन दे से यार मिलन कुछ नहीं है, तू जो कर रहा है सही कर रहा है, यू आर ऑन द राइट वे, बट भाई दूसरी के थाली का लड्डू अच्छा लगता है। तो बहुत कम लोग ऐसे यस. मिलेंगे जो स्टार्टअप वाले बोलेंगे कि काश यार मेरे मन में कि जॉब का चाम है, और आई एम टेलिंग यू मेरे मन राइट. में जॉब का चाम है। ऑनेस्टली फ्रॉम लास्ट वाओ. 3-4 ईयर आई हैव बीन ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब, थर्ड वेंचर शुरू करने से पहले, आफ्टर सेकंड वेंचर आई वेंट टू पीपल एंड आई टोल्ड देम यार कि काश मेरे को कोई जॉब मिल जाए। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि कोई वो भी होता है, क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। तो लॉट ऑफ पीपल यस. सेड कि जब तक तू अपनी कंपनी नहीं बंद करेगा तो फुल टाइम जॉब कैसे करेगा। तो मैंने कहा या यार तुम, और मैंने बहुत बार सोचा है कि मैंने कहा यार ये बढ़ तो रही नहीं यार कि, बट मेरे को अब लर्निंग लेनी है। तो फिर रियलाइज कि नहीं यार, मैंने कहा 40-45 लोगों की जॉब को क्यों वो करना अपने अपनी करारी के चक्कर में, बट क्योंकि मैं अब तक कर नहीं पाया हूँ, मेरे अंदर वो चाम है। तो आई एम टेलिंग यू टू राइट. द ऑल टिक दोस कॉर्पोरेट मार्क. पीपल, हाँ इट्स अ टिक, हाँ कि यार कि काश अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब करता तो अभी भी मेरे मन में है यार ये, मेरे को अभी भी फील होता है कि यार मैं 2-3 साल की जॉब कराता ना तो मेरी ज्यादा अच्छी लर्निंग होती। सो द बॉटम लाइन इज राइट. कि आपको जितनों को भी कॉर्पोरेट जॉब्स को हम अनकूल बोलते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के कूल बोलते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉस कॉन्स एंड एवरीथिंग इज अ जर्नी, इट इज एन एक्सपीरियंस। इट्स लाइक गोइंग टू अ वाह. बीच लोकेशन फॉर वेकेशन और गोइंग टू अ माउंटेन लोकेशन फॉर वेकेशन, आप दोनों को कंपेयर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। Whatever works for you. I think you're absolutely Whatever right. works for One you. point that you said that आप एक चीज से you get married to some idea that you really love. I mean, I think मैंने अपनी field गलत select कर ली थी. I got 96% in physics in 12th and I said अरे यही मेरी field है. 96% आ गए मतलब that's the thing, right? And I ended up taking physics honors. And I think those 3 years of my life, what I did, I have no idea. I mean, like somebody tells me, oh, some concept of physics. I'm like, अच्छा नहीं यार, इस बारे में बात नहीं करो. Talk to me about marketing. Talk to me about MBA. That was just, I feel, looking back, was an incorrect decision. But I was married to that whole 96% आ गए. So yeah, you do get some shiny things just attract you. So Milind, a lot of people are saying hi to us. There's Ashok, there's Sriram, Suman, Alok. A lot of people are saying hi. There is Rama. I would like to take his question because that's exactly what I was planning to ask you as well. What areas are your startups in? Like you talked about three startups, three different companies that you worked on, and I know the last one is to do with cars, and that's why we still see you sitting in one. But would love to hear from you. अच्छा, सो अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑल अगर थोड़े से लोग आ गए, मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कोई, आई कैन नॉट इवन सी द नंबर। सो थिंग इज कि आर कॉन्वर्सेशन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर साइकोलॉजिकल रादर देन टेक्निकल। सो द स्टैंडर्ड क्लीशे आंसर कुड हैव बीन टू द लास्ट क्वेश्चन यार कि जॉब में ये बेनिफिट्स हैं ये नुकसान है, बट आई थिंक वी आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वी हैव अ मैच्योर व्यूअर्स राइट।
सो इट्स गोइंग टू बी मोर मेंटल, मोर साइकोलॉजिकल, मोर पर्सनल. सो नंबर टू जो आप कह रहे हो वेंचर के बारे में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने थर्ड ईयर ड्रॉप करके शुरू करा था, हमें इट वॉज टोटली विद दिस प्योर ब्लिस, प्योर फीलिंग कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है. दैट टाइम आई वॉज नॉट मैरिड, सिंगल विद लॉट ऑफ एनर्जी, 21 ईयर्स ओल्ड. तो मुझे था, मुझे बिना कुछ सोच के मुझे था यार बस मैंने दुनिया के लिए सेवा करनी है, कुछ करना है. एंड देन स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम डूइंग डिलीवरी करता रहा. सो 2015 में हमने डंजो कॉन्सेप्ट पे हमें शुरू करी थी अपने छोटे से शहर लुधियाना में. सो नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स डेफिनेटली बहुत सारी लर्निंग थी. आई गॉट मैरिड, आई गॉट सेपरेटेड, पर्सनल इशूज बहुत हुए, बड़ा कुछ हुआ. एंड ऑब्वियसली आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड. नाउ आई फील बींग ए 28, 29 की आई एम अ मच बेटर एंटरप्रेन्योर, कि तब तो मुझे बहुत सारी अकल नहीं थी. एंड आई थिंक हर बंदे को लगता है कि मैं कितना लल्लू था या कि यार मेरा दिमाग नहीं था एंड एवरीथिंग. तो तब मैंने सीखा बहुत, बट मैं अपनी कंपनी को बहुत बड़ा नहीं कर पाया. लास्ट वी रेज मतलब लास्ट वी रेज सम राउंड एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन ओनली. टुडे वी आर वैल्यूड एट 40 करोड़, बट इट्स यस इट हैज बीन डिफिकल्ट टू रेज सम फंडिंग इन दैट बिकॉज वो इतना आइदर उसमें मतलब बी टू सी गेम में इट्स लाइक ग्रो बिग और गो होम, या ग्रो भाई ग्रो बिग और गो होम वाली बात है. तो बी टू सी के बाद भी रियलाइज यार कि इसमें तो बहुत पैसा बर्न हो रहा है, हम पर ट्रांजेक्शन पैसा उतना नहीं ज्यादा बना पा रहे. तो देन आई रियलाइज क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था और लाइफ की चीजें हो रही थी और शादी हो गई एंड बच्चा हो गया एंड सारा कुछ. तो सेकंड थिंग वी स्टार्टेड वाज बी टू बी का हमने एक कंसल्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग की फर्म खोली. एंड स्वाति, वी टुक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, यू हैव बीन अ वेरी गुड गाइडेंस ऑब्वियसली इन दैट. एंड तो उसमें क्या हुआ कि रादर देन एक बी टू सी के अनसर्टन रेवेन्यू के बजाय, वी थॉट कि अगर हम बी टू बी कुछ काम करेंगे तो एक रेगुलर अच्छा स्टेगनेंट कंसिस्टेंट रेवेन्यू वहां से बिल्ड होना शुरू होगा. तो वो हमारी सेकंड फर्म थी. तो उन दोनों बिजनेस के फिलहाल लास्ट 1-2 साल में आई रीच टू पॉइंट. और मेरे अंदर एक आदत थी, जैसे मैं अब यहाँ पे भी शेयर करना चाहूंगा कि आपका एटीट्यूड बिल्ड करना बहुत जरूरी है. आइदर आप एंटरप्रेन्योर हो या कुछ भी हो, अपने साथ ऑथेंटिक रहे कि अपने आपको बेटर करने के भी लिए ना आपको एक गोल होना जरूरी है कि मेरा आइडियल वर्किंग स्टाइल क्या है. फॉर एग्जाम्पल बींग पर्सनल, मेरा आइडियल वर्किंग स्टाइल है स्प्रिंट बेस्ड. मतलब मैं 3 दिन बहुत भाग सकता हूँ और मैं 2 दिन आलसियों की तरह पड़ा रह सकता हूँ फोन साइड पे फेंक के. एंड दैट इज हाउ आई एम वेरी प्रोडक्टिव. मतलब कि मैं टाइम लेता हूँ एंड देन आई रन एंड एवरीथिंग. तो उसके हिसाब से मैं काम अपने बनाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जैसा बंदा 9 to 5 जाएगा तो ऑब्वियसली आई एम नॉट कम्फर्टेबल राइट देयर. तो वहां पे मेरी बैंड बच जाएगी. चाहे मैं प्रोडक्टिव ज्यादा हूँ बट मैं उनको नहीं जवाब दे पाऊंगा. राइट. सो यू हैव टू बी ऑथेंटिक टू योर. सब लोग ऐसे नहीं होते. कोई लोग हैं यार कि जो सुबह उठ के रोज फ्रेश होते हैं, वो रोज 7 तक बड़ी मेहनत से काम कर सकते हैं. मेरे साथ ऐसा नहीं है. मेरा कभी कभी दिमाग बिल्कुल बंद होता है, नहीं चलता. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट यार कि मेरा प्रोसेसिंग जीरो, आई एम ब्रेन फॉग्ड या व्हाटएवर कुछ भी. तो यू हैव टू बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ. तो जो हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया. आई वाज टॉकिंग, यू वर टॉकिंग अबाउट, यू टॉक्ड अबाउट योर टू स्टार्टअप्स एंड यू सेड दैट यू नीड टू, हां, थर्ड वेंचर पे आप आ रहे थे और आप ये बता रहे थे कि आप यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. सो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. आई थिंक यू आर बिल्डिंग अप टू द थर्ड वेंचर. एग्जैक्टली. या तो वो जो स्प्रिंट बेस्ड वर्किंग है अब, और क्योंकि मैं रोज अपने काम पे नहीं जा सकता या मेरी रोज काम पे खड़े रहने की नेचर नहीं है, सो आपको ऑप्स कंसिस्टेंट रखने के लिए, ऑपरेशंस कंसिस्टेंट रखने के लिए प्रोसेसेस और सिस्टम्स चाहिए. तो मेरा पहले दिन से हम हैं को लेके या उसको लेके भी ये गोल था यार कि मुझे हर काम ऑटोमेट करना है. बिकॉज मेरे जो हफ्ते के 2-3 आलसी वाले दिन है जिसमें मेरा दिमाग नहीं चल रहा होता और मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि यार हफ्ते में 3 दिन नहीं काम कर सकते, आपको अपने बिजनेस में उसकी जगह लेके चलनी पड़ेगी. तो मैंने पहले दो बिजनेसेस में, क्योंकि मैं आलसी था और मेरे 2-3 दिन जो आलस वाले होते हैं उसके लिए आई बिल्ड फ्रॉम डे 1, मैंने ऑटोमेशन का ख्याल रखा. सो इवेंचुअली लास्ट 1-2 साल में आई रीच टू अ पॉइंट वेयर द लॉर्ड्स, जो डिजिटल मार्केटिंग की फर्म थी, वो भी लोग अच्छे से संभाल रहे थे, एवरीथिंग वॉज वर्किंग. ऑब्वियसली मुझे सेल्स मीटिंग्स करनी पड़ती थी तो वो हफ्ते के 2-3 दिन में वही करता था, फिर मैं सारा काम आगे हैंड ओवर कर देता था. हमें के अंदर मैंने टेक लगाया, सब लगाया, तो वो ऑटोमेट हो गया. ऑब्वियसली उसकी एक्सपेंशन के लिए, फंड रेजिंग के लिए मेरी जरूरत है, उसके अलावा उसके ऑपरेशन के लिए मेरी जरूरत नहीं थी. तो लास्ट 1-2 साल में आई रीच टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज माय मेन गोल्स. ये ना मैं एक इस डिस्कशन को आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहूंगा कि बिकॉज आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग टू अस आर मैच्योर, वी आर ऑन लिंक्डइन, नॉट ऑन इंस्टाग्राम. मोस्ट ऑफ अस आई एम श्योर वुड बी 28, 29 प्लस. तो मेरे ना लाइफ की एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन हुई है लास्ट 1-2 साल में, जो मैं सबसे शेयर करता हूँ, और दैट चेंज माई लाइफ. मुझे ये लगता है हम अपने अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को जितना मर्जी ग्रेट बनाए, आई थिंक कि हम कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड का एक प्रिजनर बन के रहते हैं. हमें भी नहीं पता, कहीं ना कहीं हम भी ना अपनी लाइफ में उन गोल्स के पीछे भाग रहे हैं जो हमने चाइल्डहुड में बना लिए थे. और ये मुझे किसने बताया, पंजाब में ट्राइडेंट ग्रुप है, जो मतलब बेसिकली सबसे बड़ा ग्रुप पंजाब का ट्राइडेंट है. 2-3 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन है. अमेजिंग गाय, रिजन फ्रॉम स्क्रैच, साइकिल पे वो उसके मम्मा के टेलर, मम्मा उसके टेलर थे, साइकिल पे वो घूमता था, 5वीं पास पड़ा हुआ है, राजेंद्र गुप्ता, वी कॉल हिम आरजी.
अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग इंस्पिरेशन. तो उनका कोई इवेंट था, मैं अटेंड कर रहा था और मैं सबसे आगे बैठा था और मैं सवाल बहुत पूछता था. तो उनको मैंने पूछा, मैं आपका पैशन था, ये था, वो था. ही जस्ट सेड इन वन लाइन, कहता दिस इज ऑल बुलशिट. कहता पैशन क्या होता है? मैंने कहा सर स्पिरिट होता है, जो आप करना चाहते हो करने के लिए बनो. कहता कुछ नहीं होता, कहता बचपन में जो जिस चीज की आपको कमी होती है वो आपका पैशन बन जाता है. एंड व्हेन आई वेंट बैक होम आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज इन द लास्ट 2 ईयर्स आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज वेयर मैं अपने पहले वाले वेंचर हमें के लिए जिसमें मैंने बहुत हिम्मत डाली, मेरे अंदर से ड्राइव नहीं आ रही थी. और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर वो उतनी ड्राइव क्यों नहीं आ रही जो पहले आ रही थी. तो मैंने ये रियलाइज करा कि छोटे होते बचपन से जो मेरे मेन गोल्स थे कि मुझे अच्छी कार लेनी है, अच्छी फैमिली बिल्ड करनी है, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरे को अच्छा पार्टनर मिल जाए, अच्छा बच्चा हो मेरा, सारा कुछ. और ये मैक्रो लेवल पे इंडियन गोल्स है, राइट, सबके होते हैं. मुझे सबको प्रूव करना है, मुझे अपने पीयर से बेटर रहना है, मुझे अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, आई शुड बी एबल टू यू हैव मैक्सिमम, मतलब बेस्ट लाइफ स्टाइल, कहीं भी जाऊँ बेस्ट बेस्ट फोन, बेस्ट कार एंड एवरीथिंग, राइट. सो मेरे वो अचीव जब हुए लास्ट 1-2 साल में, मैं उसके बाद ब्लैंक हो गया. And that blankness told me that these goals were not that mature or they were not that long term. They were short term. Because असली goal आपकी life का वो होना चाहिए जो आपका immediately पूरा ना हो जाए. Because obviously all the people that put money on me in हम है and all the people who came with me on हम है, और उस time पे भी जो मेरे में drive थी वो यही drive थी यार कि मैं end तक ये करूँगा, मरने तक ये करूँगा, इतनी genuine drive है. But मुझे बाद में realize हुआ कि वो actually drive एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने की थी. और कहीं ना कहीं हम सब में 99% स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इन इंडिया, आई हैव सीन दिस कि 99% ऑफ इंडियंस आर रनिंग फॉर दैट गोल. और बट एवरीवन इज हैप्पी रनिंग देयर, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि जब हम भाग रहे हैं उस गोल के पीछे हम एक्चुअली क्लाउडेड हैं. दोज डिजायर्स, दोज एम्स ऑफ हैविंग द बेस्ट कार, हैविंग द बेस्ट हाउस, हैविंग एवरीथिंग, हम उसको अपना पैशन बोल रहे हैं, उसको हम अपना नेचुरल पर्पस बोल रहे हैं, नेचुरल कॉलिंग बोल रहे हैं. बट आई एम टेलिंग यू एक्चुअली वो 99% केसेस में होती नहीं है. और वो आपको तभी पता लगेगा, when you hit it, yeah. when you get it. एंड वो तभी पता लगेगा once you reach there. और आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, टुडे मीट ऑल द 16-17 ईयर ओल्ड किड्स, 16-17 साल के जो बच्चे हैं जो अच्छे घरों के पड़े हुए हैं, जिनके घर में ऑलरेडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू हैं, जो बहुत रईस फैमिलीज के हैं. आप उनके बच्चों को मिलो ना, वो जेन्युइन पैशन की बात करते हैं. Because they have it already. Yes, they have it already. Tabhi developed countries mein zyada intelligent. So it's not even developed countries. I'm actually reminded of a conversation I had with a very learned man, very much into spirituality and meditation, and you know, like that in that zone, and that happiness is the purpose of life zone. And he said, it's easier when you are wealthy to talk about spirituality. कहते हैं तुम किसी को बोलो जिसको अपनी अपना मतलब अपना घर नहीं है, जिसके पास जिसको रेंट का पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, तुम उसको जाके बोलो पर्पस इज लाइफ ऑफ लाइफ इज टू स्टे हैप्पी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस, कहेगा यार चुप रहे यार, पहले मेरे को रेंट भर लूं, पहले बच्चे का पेट भर लूं, पहले एडमिशन फीस भर लूं. सो इट इज ईजियर. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पैशन इज, एंड प्रॉब्ली यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दैट हे व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, आई एम आई इवन डूइंग दिस, आपका गोल क्या है लाइफ में. एंड टॉकिंग अबाउट दैट, देयर इज अ क्वेश्चन दैट्स कम फ्रॉम बलीराम, एंड बलीराम इज आस्क सेइंग दैट आई वांट टू स्टार्ट माय स्टार्टअप बट आई एम डाउटिंग ऑन माय सेल्फ, कैन आई डू इट, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई बूस्ट माई कॉन्फिडेंस. नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट इट, आई वांट टू जस्ट टेक अ स्लाइट ब्रेक हियर एंड टेल एवरीवन, गाइस प्लीज कीप पोरिंग इन योर क्वेश्चन, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन. I have a bunch of questions written, but I see some very interesting ones coming here, so I'll be taking those up first. So please keep writing in the comment section. I'll get the questions and I'll take them up with Milind. Recapping what Milind said, because I think that'll help boost your confidence. Number one, find your attitude. I think that was a brilliant takeaway. कि आपका attitude क्या है, आप sprint की तरह काम करते हैं कि आप daily काम कर सकते हैं, किस type का काम आपको suit करेगा आपको वहां से पता चलेगा. Anything else that Milind, you can tell Baliram that how can he really boost his confidence? He wants to start on his idea, but wo bahut doubt kar rahe hain apne aap ko, probably because of the money that will go into it and energy that will go into it. And you know, coming from a background like yours, like you said, you don't come from a loaded family, so you have seen those hardships. So I would really request you to kind of, you know, talk about that kaise aapke liye kya confidence booster the aur aapne kaise ki aur aap unko kya bolna chahenge. Okay, yes. So, first of all, just ताकि आप relate कर पाओ, so आपसे 9 साल पहले मैं delivery कर रहा था अपने Activa पे, that is how I started. Right now I'm sitting in a Porsche Cayenne. So, this is all an 8-9 year journey. अभी भी I'm not very successful, I'm not saying that.
बट आई कैन गेस आंसर योर क्वेश्चन. तो मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ. आपको पता है रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये लोगों को बच्चों वाली बात लगेगी, इमेच्योर लगेगी. तो पहले हम थोड़ी इमेच्योर बात करेंगे, फिर उसको मेच्योर वे में कन्वर्ट करेंगे. तो पहली बात ना, आप सबको स्पिरिचुअल होना बड़ा जरूरी है लाइफ में. मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से ही आता है. ये जानने से आता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप सड़क पे भी होगे, बट अगर आपकी सांसें चल रही है ना, तो भी यार मैं कुछ तो कमा के खा लूंगा, अपने बच्चों को पाल लूंगा, अपनी वाइफ को पाल लूंगा. और अगर आपके पास पार्टनर अच्छा है, आपकी इंटीमेसी पार्टनर साथ अच्छी है, और आपका पार्टनर भी आपके जैसा है, तो इसको डबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप दोनों को कि यार साला सड़क पे भी आ जाएंगे ना यार, कोई बात नहीं यार, दोबारा खड़ा हो जाएंगे यार. जिस दिन आप ये रियलाइज कर गए कि एक्चुअली खोने को कुछ भी नहीं है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये राजेंद्र गुप्ते ने भी बात बोली थी. आई एम कोटिंग हिम बार बार बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज वन, मतलब कि बहुत रेयरली ऐसे लोग हैं जो जीरो से बिलियनर बने हैं. जैसे अदानी हो गया, यस अंबानी हो गया, ये हो गया, यस उनको नहीं मैं मिल एब्सोल्युटली पाया ना. तो जीरो से बिलियनर वाले एक ही जनरेशन में बनने वाले लोग इंडिया में बहुत रेयर हैं. सेकंड थर्ड जनरेशन वाले हैं या स्टार्टअप वाले हैं, बट जो जीरो से एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आज उनकी कंपनीज लिस्टेड हैं सब कुछ, वो बिलियनर बनने वाले वाइज लोग जो एज में भी थोड़े से आगे हैं, उनका वो बहुत कम लोग मिलते हैं, और मैं रेयरली एक ही को मिला हूँ. तो उसने भी यही बोला था, कहता यार खोने को क्या है यार, कहता जब जीरो से शुरू हुए सब बनाया, तो कहता दोबारा जीरो पे आगे तो दोबारा बन जाएगा ना यार. तो वो फीलिंग होना बहुत जरूरी है. आई एम टेलिंग यू, अगर वो अंदर आपके जिगरे में नहीं है ना यार, कि जब खो सब कुछ खो भी लेंगे यार तो दोबारा बन जाएगा, अगर वो नहीं है तो आपको डर लगेगा. तो मैं आपको जो ऊपर राइट वाली बातें कहूंगा ना, कि आप, अब मैं आपको टेक्निकल वेज बताऊंगा कि आपके फाइनेंसिस कैसे मैनेज होने चाहिए, वो सब होने चाहिए, बट टेक्निकल वेज कभी भी प्लानिंग आपकी 100% कामयाब नहीं होगी. आप दुनिया में जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो ना, आप हमेशा एक ऐसे पंगे में पड़ोगे जो आप, भगवान ने आपको लात मारेगा भगवान, और वो प्लानिंग आपके कभी हाथ में नहीं होगी. एंड स्वाति, आई शुड टेल यू दैट योर हस्बैंड मोहित, माय मतलब द रीजन व्हाई आई लव हिम सो मच, बिकॉज मेरे को जब जब लात पड़ी ना, समहाउ ही हैज ऑलवेज गिवन मी द बेस्ट एडवाइस. Wow, तो मेरे I'm so साथ भी glad. एग्जैक्टली, सो लास्ट 8-9 सालों में बहुत मोमेंट्स आए जब बहुत लात पड़ी, मैं जीरो पे आया, एंड फिर समवन गेव मी सम एडवाइस, एंड आई हैड टू एक्सेप्ट दैट हां यार, आई एम अगेन बैक टू जीरो, हैड टू गेट अप अगेन, एंड देन मैं दोबारा वहां से शुरू हुआ. तो आज 8 साल में वो राइजिंग जर्नी रही है. तो इफ यू वॉन्ट टू राइट स्टार्टअप, पहली बात मैं कह रहा हूँ, आप अकेले बैठ के अगर अपने आपको जिगरे से कह सकते हो कि साला चला भी गया ना सारा कुछ यार, एवरी थिंग, अगर कुछ भी अपने प्लान से नहीं चला, कुछ भी प्लान से नहीं चला, तो भी यार मैं खड़े रहूंगा, तो मैं दोबारा बना लूंगा, खोने को कुछ नहीं है, ऑलरेडी भी तो नंगा हूं, अगर तो ये थॉट है तो चलो फिर प्लानिंग करो. तो पहले पहले फाउंडेशन आपकी ये होनी चाहिए कि जीरो भी हो गया तो मैं स्टेबल हूँ, फिर उसके ऊपर फिर उस रिस्क को कैलकुलेट करना शुरू करो कि यार मैं अभी राइट सैलरी कितनी ले रहा हूँ, मेरी ईएमआई कितनी है, मेरा सब कुछ क्या है, मैं उसको अपने सर्वाइवल को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तब जाके आप साथ साथ स्टार्टअप करना शुरू करो. और मैं ना आपको बहुत एक बड़ी बात बताता हूँ, हम जितने ये मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, मैं भी बोलता हूँ, नहीं यार यू गो ऑल इन, अपना सब कुछ डाल दो, कंपनी के अंदर घुस जाओ तभी स्टार्टअप काम है, बता, मैं कहता हूँ आज की डेट में ना, दिस इज ऑल स्टुपिडिटी. आज के हमारे अर्थ की सबसे बड़ी प्रोडिजी इलॉन मस्क अगर 3 कंपनियां चला सकता है यार, टाइम का 4 हो गया उसकी, अगर इलॉन मस्क 4 कंपनियां चला सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते यार, यस तुम अपनी जॉब के साथ क्यों नहीं कुछ कर सकते. इतने ऑनलाइन टूल्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया यार, कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ. अगर आप घर एब्सोल्युटली बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, घर बैठे 2 जॉब्स कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं मल्टीपल इनकम्स पे स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं. जॉब छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सीधा सा बड़ा प्लेन फंडा है. अब मैं दूसरी टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि नुकसान क्या है, अपनी जॉब करते रहो, साथ में स्टार्टअप बिल्ड करता रहो, फंडिंग ढूंढते रहो, जिस दिन फंडिंग आ गई या जिस दिन आपको 1 साल में लग गया, हर स्टार्टअप की शुरुआत में ना 12 महीने का टाइम लेके चलो. मैं भी जब हमें शुरू करी थी ना, मेरे को फाउंडर थे जिनको भी मैंने पढ़ाई छुड़वा दी थी, तो मैंने उनको यही बोला था, मैं अगर हमें 1 साल में पता लग जाएगा कि ये करना है या नहीं करना है, मगर 1 साल तो 100% दे दें, तब थे हम तो सारे नल्ले थे, मतलब जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था. बट अगर आप जॉब भी कर रहे हो आज की डेट में, जॉब्स करना आसान हो गया यार. आपको जो काम मिल रहा है, पहले तो आप उसके अंदर एफिशिएंसी लेके आओ. अगर आप अपनी जॉब के साथ स्टार्टअप शुरू करना नहीं मैनेज कर सकते ना, तो आप स्टार्टअप कल को मैनेज ही नहीं कर पाओगे, ये तो मैं लिख के देता हूँ. Absolutely. Because doing a startup is all about efficiency and You're managing. absolutely right. Yeah. I think that point on कि अपने आप पे कौन, हाँ, please continue. मतलब exactly what you're saying कि एक asset से, yeah. यार startup करना क्या होता है यार, कोई और company चल रही है, वो एक asset से 2 unit की energy निकाल रही है, input निकाल रही है, आप disruption कैसे करोगे कि आप एक asset से 10 unit की energy निकालोगे. तो बॉटम स्टार्टअप करने का मतलब क्या है यार, कि दुनिया में जो भी इनएफिशिएंट है उसके अंदर एफिशिएंट वे ले आओ और आपका स्टार्टअप हो जाता है. Absolutely.
तो जो आप हैविंग करने जा कॉन्फिडेंस रहे ऑन हो, योरसेल्फ, यस एग्जैक्टली अगर दैट आप इज अपनी वेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट. नहीं वो कर सकते तो आप स्टार्टअप मत करो. तो आई यस दैट इज व्हाट आई आई एम सेइंग. थिंक बाकी सब ठीक या है. आई वुड ऑल्सो कोट माई मॉम ह्योर बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट शी टोल्ड मी. आई वेन आई गॉट मैरिड आई फॉर सर्टन सर्कमस्टेंसेस हैड टू क्विट माई लीव माई जॉब एंड वॉज वेरी लाइक वेरी हाई पेइंग वेरी नाइस खुशी जॉब सो टू से इन फ्लिपकार्ट दैट ब्रांड मूव मैनेजर, आई बिकॉज नो दैट ब्रांड आई मैनेजर वाज विद फ्लिपकार्ट है. या सो एनीवे सो लाइक वन थिंग दैट माई मॉम सेड टू मी वाज कि सिचुएशन लाइफ भगवान तुम्हें जिसको भी ब्लेम करना है वो तुमसे सब चीज ले सकता है तुम्हारी काबिलियत कोई तुमसे नहीं ले सकता. सो वट एवर यू डिसाइड यू डिसाइड यू कैन लाइक मिलन सेड आप सड़क पे आ जाओगे सब कुछ खत्म हो जाएगा. पैसा ले सकता है कोई इंसान तुम्हारे साथ चोरी कर सकता है धोखा कर सकता है बट तुम्हारी काबिलियत तुमसे कोई नहीं लेके जा सकता. सो हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन दैट रूट काबिलियत आई थिंक दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड to get away do away with that doubt and that constant feeling of doubt on yourself. And one thing that guys has worked for me particularly is that I literally have stood in those moments of weakness and doubt sharing it out with the world today. I stand in front of the mirror and I look at myself in the eyes and I look at myself and I say to myself I can do this. तो जो भी तुम्हें करना है तुम मिरर में अपने आप को देखो अपनी आंखों में आके डाल के बोलो मैं ये कर सकता हूँ मैं ये कर सकती हूँ जो भी एबीसीडी चीज है जस्ट ट्राई डूइंग इट यू विल गेट दैट बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डू दैट वन थिंग. अगर आपको लगता है उसमें नोट बनाना या दैट अपनी कंपनी का वो ईमेल आईडी बनाना ना जाकर जीमेल पे वो ईमेल आईडी बनाओ एक वो चीज करो. सो टू ऑल द स्टार्टअप एंथुजियास्ट आउट देयर हु आर पार्ट ऑफ दिस सेशन गाइस इट इज मेरा और मिलन का रिक्वेस्ट दैट आज अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी आपको स्टार्ट करनी है तो जाके वो एक चीज करो चाहे जीमेल पे आईडी बनाओ चाहे वेबसाइट का डोमेन नेम खरीदो डू दैट वन थिंग दैट यू नो दैट यू टेकन दैट वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन एंड प्लीज लेट अस नो हमें मैसेज करके बताना हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी ने भी वो एक स्टेप लिया तो. सो थैंक यू मिलन आई थिंक द पॉइंट्स दैट यू पुट अहेड वर रियली अमेजिंग इट गेव मी अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर श्योर एंड सो इट डिड टू आवर यूजर व्यूअर्स आउट देयर. There's a question that Dr. Sarvesh Gupta is asking. He's talking about how to get a patent on an idea or a project. Would you be able to talk about patents or yeah. if you would have some knowledge about it, please? मैं बड़ा बेसिक से बताता हूँ. देखो अगर ये तो वैसे कोई पेटेंट लॉयर ज़्यादा बेटर आंसर देगा. बट सीधी सी बात है कि अगर आपकी कोई इन्वेंशन है कोई डिवाइस है कोई टेक्नोलॉजी है देखो आप मेथड को पेटेंट नहीं कर सकते टू डू अ बिजनेस बट आप मेथड टू रन अ मशीन और टेक्निकल प्रोसेस उसको पेटेंट कर सकते हो. तभी कहते हैं तभी मैं अपने बी टू सी बिजनेस की बात करता हूँ. तो एक या तो आपके बिजनेस में कोई ऐसी इन्वेंशन है जो कोई कर नहीं सकता तो आप पेटेंट से प्रोटेक्ट उसको कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपके कोई बिजनेस में एंट्री बैरियर नहीं है जैसे मैं हाइपर लोकल की डिलीवरी है हमें तो उसके अंदर कोई एंट्री बैरियर नहीं है तो उसमें स्पीड पे आ जाती है गेम सारी कि आप कितने जल्दी बहुत बड़े बन गए. उबर मॉडल है ओला मॉडल है रैपिडो मॉडल है या जोमेटो मॉडल है स्विगी मॉडल है ये तो Airbnb मॉडल है या मेक माई ट्रिप है ये वाली जो कंपनीज हैं ये स्पीड बेस्ड स्टार्टअप्स है. तो जो जितना बड़ा बना जितनी जल्दी फंडिंग रेस करी तो उसके अंदर आप ये ना समझो यार कि मेरा आइडिया किसी पेटेंट से प्रोटेक्ट हो जाएगा कुछ हो जाएगा. तो आइडिया पेटेंट नहीं होते बट मेथड्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क दैट इन्वॉल्व्स हार्डवेयर एंड आई कैन बी रॉन्ग आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय ऑन दिस मैं कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया. अ पेटेंट लॉयर कैन हेल्प यू बेटर बट दिस इज माई लेमैन अंडरस्टैंडिंग. Right. Thanks a lot, Milind. I hope Dr. Sarvesh that answered your question. So there's a question by SH. He says, he or she, I don't know. What's Milind's view on starting a startup along with someone? How to handle risk if a person changes in the long run? I think this is a brilliant and amazing question. So that co-founder, kaisa hona chahiye? Galat co-founder ke saath agar aap stuck ho gaye ho, toh ab kya karo? How to deal with it? So what's your view? So exact question, Milind, I'll read it out again for our viewers is, what's your view on starting a startup along with someone? How to handle risk if a person changes in the long run? Okay. So, pehli baat ki main bhi is zone se nikal raha hu. So, just hafte pehle, my third venture, which is about cars and luxury cars and all this. So, my third venture, main bhi start hi kar raha hu. So, I'm just incorporating a company and everything. Aur mere pichle venture mein mere disputes hue do char logon ke saath. Luckily, I was on the better side of documentation and everything. I had the majority stake and everything. Aur kahin na kahin is karke main bada safe raha. It was not an equal partnership. I was the majority holder. So, everywhere I was more powerful. बट मैं इस बात पे आने लगा था कि मैंने ना बड़े सारे एम्प्लॉयज देखे हैं जो एम्प्लॉयज कह रहा हूँ मैं मतलब कि बहुत सारे लोग जो 30-35 ईयर्स की एज में ना जो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत अच्छी कंपनीज रेस कर पा रहे हैं उनके लाइफ की ना अभी बेसिक लर्निंग नहीं हुई होती मतलब वो मेरे को मिलेंगे उनको 100 करोड़ का घाटा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस गाय दैट सोल्ड हिज कंपनी टू गूगल
एंड नाउ ही इज 50 years old, राइट? और उसका वो मेरे को मिला और उसका गिल्ट पता क्या था, वो 50 साल का मेरे से डिस्कस कर रहा है, यार उन्होंने मेरी मार ली, उन्होंने मेरे को 70 करोड़ बीच में से मिलना था बट सिर्फ 2.5 करोड़ मिला, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, जब टाइम आया तो सब बिखर गए, ये हो गया वो हो गया। एंड यू नो आई आई नो लॉट ऑफ स्टोरीज। और मैं उस 50 साल के बंदे को मिलकर सोच रहा था कि यार मेरे को तो ये 4 साल पहले ही हो गया, मुझे तो तभी अकल आ गई, आपको अब आ रही है। सो पॉइंट इज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो डायरेक्टली स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर वहां से जॉब पे चले गए, फिर वहां जाके उन्होंने स्टार्टअप करा, उनको अच्छे फंडिंग भी मिल गई, सब मिल गई, बिकॉज वीसी फंड आपको करता है आपकी क्रेडिबिलिटी को देख के। जैसे मेरे को, मैं नल्ला था, मेरे को बहुत मुश्किल हुई, अभी भी वीसी बैक नहीं हूँ, तो वीसी के पास अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छी कंपनी में हो, तो आपको बैक कर देते हैं। बट और तभी सारे कहाँ मरते हैं, जेनरिक लाइफ नॉलेज में। तो आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग, इफ यू आर गोइंग टू डू अ स्टार्टअप, इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग, आपको पीपल स्किल्स होने और साइकोलॉजिकल स्किल्स होने बहुत जरूरी है। आपको एक वो लाइफ की विजडम होती है ना, जो हमारे पेरेंट्स पास हमसे भी ज्यादा है, कि जैसे जो बंदा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपका दिमाग के अंदर, नहीं यार इट ही इज लुकिंग टू गुड टू बी ट्रू, कुछ फिशी होगा। या जो बंदा बहुत ओवर एंथुसियास्टिक लग रहा है, तो आपको लग रहा है नहीं 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 यार ये ऐसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सो आई एम सेपरेटेड लास्ट, लाइक मेरा बेटा 4.5 साल का है। सो देयर इज अ गर्ल दैट मेट मी, she said, yaar, I have been following you from 5-7 years, you are such a nice guy, I know you are so good, we met for the first time, kabhi main aapko 6-7 saal se follow kar, you are such a nice guy, I have in my dreams imagined myself marrying you and taking care of your kid and everything. So she is, wo apne zone mein, feel mein hai, but my maturity is ki pehli baat to tu mere ko pehle hi milke keh rahi hai, that means ki you are not ready for it. Normally kya hoga yaar, agli taiyar hai yaar, to aur acha kya chahiye, right? This is how normal people think ki yaar everything is right. स्टार्टअप को फाउंडिंग में भी यही होता है कि अच्छा यार, अच्छा इसको आइडिया पसंद आ रहा है, ये भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, तो वो होती है इमैच्योर थिंकिंग। तो अब आई सॉ दैट यू हैव नेवर बीन अ मदर, हाउ यू आर सेइंग कि, एंड शी सेड आई विल गिव माय बेस्ट, आई नो आई विल बी अ वेरी गुड मदर टू योर सन, सो आई एम अ सिंगल फादर, तो आई विल बी वेरी गुड मदर टू योर सन। एंड मेरे को बहुत मुश्किल था समझाना कि तू अभी कभी भी मदर नहीं बनी, हाउ कैन यू बी अ मदर टू समवन एल्स जिसको तूने पैदा नहीं करा, एंड शी कुड नॉट गेट इट। And I said कि तू मेरे को 7 साल बाद सोशल मीडिया में मिलकर ही अगर तेरे को मेरे से प्यार हो गया, that is another sign of immaturity, कि बॉडी में अच्छा ना हुआ, बॉडी में I'm not right। तो कभी कभी आपको वर्ड से, लोगों की कम्युनिकेशन से, लोगों के बातों के बियॉन्ड सोचना पड़ता है, दैट इज लाइफ विजडम। वो क्लैरिटी लेना लाइफ के अंदर कि यार, कि अगर को फाउंडर अभी मिल रहा है, अभी हम दोनों रेडी हैं, अभी हम तैयार हैं, बट जो हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं क्या उसकी क्लैरिटी हमें भी है या नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जितनी मैरिज कॉम्प्लिकेटेड है ना, finding a partner for marriage, more 99% people can relate to this, right? That at 30 years old, 32 years old, if you're looking for someone to get married to, utna hi dimag aapko lagana padega startup ko founding mein. And then yes, again 10% uska phir bhi risk hai. Yeah. Sab sara dimag laga lo, 10% phir bhi risk hai. Jaise wo kehte hai na ki ye likha fir jodiya bhagwan hi banata hai. Bhagwan hi startup banata. Startup ko founding teams bhi kismat se hi banengi. But you do your best math. इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यू नो लाइक ऑल द टिक मार्क्स आर देयर, यू नीड टू प्रॉब्ली थिंक इट थ्रू, टेक योर टाइम बिफोर यू जंप इन टू द डिसीजन ऑफ मैरिंग अ को फाउंडर। एंड रिस्क तो है, लाइक एनी मैरिज देयर इज अ रिस्क, आई मीन लव मैरिज इज अ रिस्क, अरेंज मैरिज इज अ रिस्क, व्हेन यू मैरी अ पार्टनर there's a lot of commitment, you need to, with the goods comes the bad, because hamesha aapko kisi bhi relationship mein bads baad mein pata chalte hain, achhi cheeze pehle nazar aati hain dheere dheere karke, so there's adjustments, there'll be, it's very similar like Milind pointed out, so, but risk hai, but at the end of the day, I think, co-founding ka, I would also like, want to talk about the positives of it, because sometimes a team completes when you have the right co-founders with you, and, yes, exactly. So मतलब तुम्हारे अंदर जो negatives हैं वो होंगे. So like for me, I was blessed in that regard. I mean, I can talk from experience only with my own partner. We're married and we worked on companies also together. And I'm a working person. मतलब मेरे से meeting करवा लो. I can talk to the clients. I'm out of it. Tell me what's the strategy. I like to work alone in my, like even my life. aim, career aim would be to become a consultant, that I'll work standalone, okay? And I want to teach. I want to talk to a lot of people. I want to talk to a crowd. I want to teach. I'm not good at people management skills. And this is one of my biggest negative, which my partner in my business also kind of swooped in and used to work on.
he was the guy managing the team, the back end team, the front end team, the team of the clients. Like, he was the people person, the person in the forefront. So I think it's important that आप वो चीजें लिस्ट डाउन करें. आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू फॉर मैरिज, जो आप में नहीं है वो आपका पार्टनर पूरा करे, whether that works or not, I have no say. मतलब that's not a conversation for this particular session at least. But in a business as founders, it's very important that you're compatible and you bring different varied skill sets to the table, technically also and psychologically also. So, and Milind, can you talk more about, like, I think I'll take up one last question and then we'll move on to the rapid fire because we're only 35 minutes into the session. Any questions, guys, please keep pouring in your questions. We would love to take them up. This last startup you talked a lot about attitude, passion, mere dil ki chaha, but we used to like get wrap around and talk about something else. So can you just talk about the current thing that you're working on, sitting in that porch, that, you know, fancy cars of yours, jiski wajah se aapne room mein baith kar ye session nahi liya, because you wanted to tell the world that, hey guys, main to scooter pe delivery karta tha aur ab main porch mein baith ke session le raha hu LinkedIn pe. So please tell us about what you're working on. We really want to hear about it. So before starting that answer, pichle question ka ek jaise wo kahegi jisne question pucha yaar ki inhone to aur confuse kar diya. तो एक टिप्स मैं देता हूँ कि जब भी हम कोई भी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, ये मैरिज जो लोग शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, को फाउंडर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी कभी भी लाइफ में ना एक ध्यान रखना, ओवरवेलम नहीं होना. हम ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आज तक कोई सीटीओ नहीं है, तो मैं भी कोई सीटीओ मिलता ना जो कहता है कि ये मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और आई एम रेडी टू वर्क फॉर अ स्टार्टअप या कुछ भी, तो हम जब भी ओवरवेलम होते हैं तो गलत डिसीजन लेते हैं हर बार. शादी में भी यही होता है, जब कोई ऐसा लड़का मिलता है ना, तो प्रिंस चार्मिंग वाला आपका छोटे होते जो सपने लिए होते हैं वो टेलर स्विफ्ट के गाने सुन के, या हमें भी कोई ऐसी लड़की मिलती है जो इंडियन सोसाइटी ने बताया होता है, ओवरवेल्म जब हो गए तब ज्यादातर गलत डिसीजन तब लिए जाते हैं. जस्ट ऑलवेज मेक श्योर, ऑलवेज स्टे इन योर सेंसेस व्हाइल टॉकिंग टू पीपल, व्हाइल स्टेइंग विद देम, एंड ऑलवेज स्टार्ट अ डेमो रन. तो जैसे शादियों के लिए भी आई बिलीव लिव इन वर्क्स बेस्ट, आई थिंक फॉर को फाउंडिंग ऑल्सो यू शुड ऑलवेज गिव अ 6 months और 1 year का ट्रायल रन, rather than immediately सिर्फ 2-4 बार बातें करके मिल करके इक्विटी बांटने के बजाय, आई थिंक बेस्ट थिंग इज यू शुड थिंक लेट्स स्टार्ट ऑन दिस फॉर 6 months, देन 6 months के बाद लेट्स हैव दिस ट्रस्ट कि हमने जितना काम करा है, वर्स्ट केस वील मेक श्योर दैट ईच ऑफ अस आर पेड फॉर द आवर्स वी आर पुटिंग इन. इक्विटी का सेकेंडली रखते हैं कि अगर हमने डिसाइड करा कि यार हम इक्विटी नहीं इस लेवल पर बांटने वाले, या अगर मैं फाउंडर हूँ या मेरा आइडिया मैं तेरे को नहीं वो देना चाहता या देना चाहता हूँ, तो डोंट वरी, हैव दिस फेथ कि इक्विटी हम 6 महीने बाद डिसाइड कर लेंगे, और अगर हमने नहीं भी डिसाइड करा है, मैंने नहीं भी डिसाइड करा, आई विल मेक श्योर दैट यू आर पेड फॉर योर एफर्ट्स. तो समथिंग लाइक दिस, सम अरेंजमेंट्स लाइक दिस, दीस काइंड ऑफ ट्रायल रन्स और टेस्ट ड्राइव्स ऑलवेज हेल्प यू गेट योर डिसाइड योर बेटर फाइनल कार दैट यू आर गोइंग टू बाय. या ट्रू ट्रू एंड या बट देन या आई वुड लाइक टू ऐड देयर दैट फॉर द प्रोबेबली नॉट सो एडवांस्ड जनता आउट देयर, यू कैन डू अ रोका, यू कैन ऑलवेज गेट आउट द रोका. But doing a marriage and then a divorce is more difficult. So like do like a roka of sorts, have that, you know, said arrangement between the two courtship parties. Courtship period is extremely important, like for any marriage, even for this to work out. Yes, please talk about the, your the thing that you're working on. The Porsche. Just like I told, I am happy that I reached this phase early on in my life where I could get money, where I was making enough money to make my ends meet, to make my dreams come true. I have the best phone. I already bought a good car from my money, from the money that I earned from earlier business and the digital marketing business. So I'm happy ki 1.5 saal pehle I reached to that point jahan pe mera kuch karne ka man nahi kar raha tha, because pehle main jin cheezon ke liye kaam kar raha tha, jo drive thi wo khatam ho gayi. I thought ki isse zyada paise honge to bhi yaar I love my car, ki main isse zyada to kya lunga. That happened because when I bought one car and bought the other, main khade hokar dono ko dekh raha tha, like sala chalaunga to main ek hi. And immediately then I sold the older one and I started enjoying the new one. To tab mere andar settle hone lag gaya yaar ki is ab main paise kahan kharchu, what should I do now. Fir wo 1 saal ka mera bada lull period raha last 1.5 saal mein, where I was being with myself, trying to figure out myself ki main life mein karna kya chahta hu and why I'm not driven for this cause anymore, or even my both the businesses mere ko man hi nahi karta tha. तब मैं उस लेवल तक पहुंचा जहां तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो लेवल तक पहुंचना बहुत जरूरी है जहां पर आपके बेसिक गोल सारे क्लियर हो जाएं. एंड देन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वन ऑफ द स्पिरिचुअल सेशंस दैट आई जो मैंने 5-6 साल पहले करे थे, दैट स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी. सो देर वॉज दिस, आई हैव बीन अ फॉलोअर ऑफ हार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देर वॉज दिस वन कोर्स, देर वॉज दिस सीनियर टीचर जिन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात कही जिसने मेरे लाइफ में बहुत दिमाग में कुछ डाल दिया, और अगर आपको समझ आई तो गुड, नहीं तो प्रेशराइज मत करना, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ सकती. उन्होंने एक बात कही, कहते भगवत गीता में ये जो लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, इसका मतलब क्या है. हमने बोला यार यही कि काम करो, एंग्जियस मत हो उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा. कहते यही लोगों को लगता है. कहते रियलिटी क्या है कि कर्म करना ही फल है.
लाइक ये क्या बुलशिट हुई, कहते ये कॉन्सेप्ट जो हमने बना लिया ना कि काम करना संघर्ष है और फल लेना खुशी है, कि ये दो प्रोसेसेस हैं, दो स्टेप्स हैं, कहते यहीं पर हमारी दुनिया, ये आज की जनरेशन डिप्रेस्ड है। आई वाज लाइक हाउ, कहते एवरी वन ऑफ अस वांट टू वर्क हार्ड टू बी फ्री, वांट टू वर्क हार्ड टू रीच अ गोल, वी ऑल वांट टू वर्क हार्ड, गो टू आवर जॉब्स, वर्क टू अचीव आवर गोल्स, राइट। कहते दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस, कि आज मैं काम करूंगा और काम के बाद कल खुश होऊंगा, इधर साल राइट बाद, 2 साल बाद, जब भी मैं ड्रीम अचीव करता हूँ। कहते इस कॉन्सेप्ट की गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण सारे परेशान है। द रियल थिंग इज कि काम करना ही फ्रीडम है। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस बुलशिट, राइट, और दिस वुड बी स्पिरिचुअल बुलशिट फॉर एवरीवन, राइट, लेट मी एक्सप्लेन इट अ लिटिल मोर। देन ही टोल्ड द राइट एग्जांपल, कहते ऑल यू गाइस जो परेशान हो ना, इतना काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कहते आई एम टेलिंग यू आई विल सेट यू फ्री। कहते मैं आपको एक कमरे में बंद भी नहीं करता हूँ, कहते आप अपने घर पे रहो, कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्री रहना है, आपको खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है। कहते लेट मी, आस्क, कितनी देर पहले बैठ जाओगे। एंड ऑनेस्टली हम कभी सोचते नहीं ऐसा, बिकॉज हम इतना काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने बिजी हैं, लाइफ ऐसी बन गई है। तो बट जिस चीज को हम भाग रहे हैं ना, कि हम फ्री रहना चाहते हैं, अगर आप रियली आज इमेजिन करो ना, एक्चुअली हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, हम छोटे तो से इतना भाग रहे हैं। बट आप कभी 10 दिन भी वेले बैठ जाओ ना यार, नोइंग कि यार अच्छा मेरे सारे सपने पूरे हो गए, मेरा बच्चा भी खुश है, मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छा मेरे बैंक में 10 करोड़ पड़ा है जिसका ब्याज आ रहा है, उसके ब्याज से मेरा काम चल रहा है, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, अच्छा मुझे सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना है, आई एम टेलिंग यू आप पागल हो जाओगे। एंड ही या लिटरली ऑफ गिव दैट कोर्स एग्जांपल, एंड व्हेन वी रियल थॉट अबाउट इट, वी रियलाइज इट, यस। कहता क्योंकि सारे भाग रहे हैं इसलिए कोई वो अच्छे से इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। कहता वो आइडिया इतना फार फेस्ट कर दिया है कि हम यस उसको इतना चार्मिंग बना चुके हैं कि इसलिए हम भाग रहे हैं उस मोमेंट के लिए। कहते जबकि वो मोमेंट एक कर्स है। द मोमेंट वेयर यू हैव नथिंग टू डू, वेयर यू आर एक्सट्रीमली फ्री, आपको कोई काम नहीं करना, कहते 10 दिन बैठ जाओ ऐसे, कहते मैं लिख के दे रहा हूँ आपकी बैंड बज जाएगी। सो अ लॉट ऑफ पीपल वुड से यार हम दारू पी लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमें 10 दिन बैठने में बहुत खुश है। बट आई थिंक द मेच्योर थिंग, आप समझ रहे हो मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ। नो उस नो आई बंदे की एग्री विद बात वेयर यू से, गेट तो उस बंदे की बात से मुझे उस दिन ये समझ आया कि यार रोज उठ के कुछ करने को होना ही रियल रिजल्ट है यार ऑफ दिस लाइफ। एब्सोल्युटली कि एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग फॉर जॉय, वी आर वर्किंग विद द जॉय, मतलब वी आर बीइंग जॉयस बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। कि हमें काम करने में मजा आ रहा है और काम करने के बाद कोई मजा नहीं है मिलने वाला, देर इज नो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, देर इज नो गोल टू अचीव। तो जिस दिन ये समझ आ जाता ना, बहुत मुश्किल है समझना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन की समझे, बट जिस दिन ये समझ आ जाता ना, फिर आपकी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाता। फिर आप ये नहीं सोचते हो कि यार कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊं, मैं क्या ऐसा करूं कि जल्दी पैसा बन जाए, मैं क्या, देखो क्रिप्टो में कितने लोगों के हाथ जले बिकॉज ऑफ दैट फोमो, राइट। और अभी भी देखना वही एक्चुअल क्रिप्टो में अमीर वही हुए जिनको ब्लॉकचेन के साथ प्यार हो गया, जिनको कोडिंग के साथ प्यार हो गया। तो तू क्रिएटेड आप देखना समथिंग आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली इवेंचुअली विनर्स लाइफ में वही है जिनको जर्नी से प्यार है, या जिनको गोल से को लेना देना नहीं है, जिनको कोई परवाह नहीं है यार कि हम ये कर रहे हैं तो उसका कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर आप लाइफ में वो चीज एटीट्यूड नहीं लेके आ रहे हो और आप वो जर्नी नहीं ढूंढ पा रहे हो जिसमें सुबह उठते आप एक्साइटेड हो काम करने के लिए, शाम तक आपको मजा आ रहा है, इवन आपको पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, बट आपको जस्ट वो प्रोसेस अच्छा लग रहा है, अपने माइंड से ये पूछ के कि यार जब मैं बिलियनियर बन जाऊंगा तो भी क्या मैं उठ के ये करूंगा, इफ दैट आंसर इज यस तो वो जर्नी आपके लिए है। और मैं अब इसका आपको मैक्रो लेवल पे स्टडी बता देता हूँ कि अगर आपने ऐसा काम नहीं ढूंढा अपने लिए जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको मजा आ रहा है, तो आप अपनी फील्ड में बेस्ट होना भूल जाओ। तो आप मीडियोकर लाइफस्टाइल के साथ प्यार कर लो। उसका कारण क्या है, हर फील्ड में बेस्ट पे टॉप पे वही बंदा है जिसको एक्चुअली उस चीज से प्यार है, जो बंदा पैसों के लिए नहीं वो कर रहा। अगर आपका ड्रीम, आपका गोल, आपकी मेहनत सुबह उठ के इसलिए है कि मेरे को कुछ फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने हैं, कुछ पर्टिकुलर गोल्स पूरे करने हैं, तो आप उस चीज में उस बंदे को कम्पीट नहीं कर पाओगे जो बंदे को एक्चुअली जर्नी से ही इश्क हुआ बैठा है। यस सो आई तो थिंक ये या आई मेरी थिंक लर्निंग, या दिस इज तो दिस वाज द लर्निंग दिस दैट आई रियलाइज्ड अराउंड 6 मंथ्स बैक, और मैं लिटरली गाड़ियों का दलाल बन गया व्हेन पीपल। और ये वाओ कैसे हुआ, ऐसे ही एक सेशन में रैपिड फायर था जब मैं कंफ्यूज था, तो दे आस्क्ड मी
इन द रैपिड फायर की, मिलन बॉटिव, अगर ये बिजनेस नहीं तो तू क्या कर रहा होगा लाइफ में? एंड उन्होंने कहा कि आपने 5 सेकंड में आंसर देना है. आई सेड यार मैं गाड़ियां बेच रहा होता, बिकॉज प्लस वन में जब मुझे काम करना था मैं डीलरशिप पर धक्के खा रहा था कि यार कि मेरे को कोई सेल्समैन की जॉब दे दो, बिकॉज मैं उस पर बहुत अच्छा था नेचुरली. तो जब मैंने बोला ना तो उन्होंने हा हा करा और अगले क्वेश्चन पे चले गए. और मैं रात तक सोचता रहा कि सब कुछ होने के बाद भी मैं अभी भी गाड़ियों को बेचना चाहता हूँ. एंड वॉट हैपन्ड वॉज आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दैट. 1 month 2 months डाउन द लाइन मेरा कॉलेज में एक यूट्यूब चैनल था, आई हैड 40-45,000 सब्सक्राइबर्स. एंड आई जस्ट सुत्ता उठा, बाल खराब, सब कुछ. एंड द रीजन आई एम सिटिंग इन माय कार राइट नाउ नॉट टू शो ऑफ, इट्स बिकॉज आई फील मोस्ट कंफर्टेबल इन द कार. मेरे को सबसे ज्यादा इट्स लाइक दिस इज माय स्पेस. कोई भी गाड़ी हो, पहले जब डिजायर थी या इको स्पोर्ट दिया कुछ था तब भी ऐसे लगता था. तो पॉइंट इज, तो तब मैंने यूट्यूब पर सिर्फ सुते उठे ये बोल दिया यार कि किसी को गाड़ी लेनी है ना यार, जस्ट मुझे पता कि आप लोग नहीं ढूंढ पाते हो और मेरे अंदर नेचुरल स्किल है. आई विल फाइंड दैट कार फॉर यू. आपको कोई लग्जरी गाड़ी लेनी कुछ लेनी है, आई विल फाइंड दैट कार फॉर यू. आई विल चार्ज वेरी स्मॉल अमाउंट, 25,000 रुपये लूंगा और आपके लिए दिल्ली की मैं घूम के सड़कों पर घूम के आपके लिए गाड़ी ढूंढूंगा और ऐसी गाड़ी ढूंढूंगा जो बेस्ट डील होगी, बेस्ट कार होगी, 1-1.5 साल तक आपको टेंशन नहीं है कुछ नहीं, और आपके 1-1.5 साल बाद दिखवा दूंगा, आपको स्विफ्ट से भी सस्ती पड़ेगी. एंड ऑनेस्टली पीपल स्टार्टेड कमिंग इन लाइक एनीथिंग एंड नॉट फॉर द मनी. मेरे को 4 महीने हो गया, आफ्टर सो मच टाइम आई वॉज एक्साइटेड सुबह उठ के ट्रेन पकड़ना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर गाड़ी खरीद के दिल्ली से लानी है तो गाड़ी पे मैं अपनी गाड़ी में जा नहीं सकता. सो ट्रेन पे जाना, धक्के खाना, पैदल वहां पे घूमना, सारा कुछ करना. एंड नाउ व्हेन आई हैव एवरीथिंग और मेरी अच्छी गाड़ी घर पे खड़ी है, मेरे को फिर भी सड़कों पर घूम के मजा आ रहा है. एंड नाउ आई थिंक आई फाइनली फाउंड दैट वर्क. अभी कुछ नहीं पता, 2-3 साल बाद कुछ और लगे, मैं और इवॉल्व हो जाऊँ मेंटली, दैट इज समथिंग एल्स. सारी जिंदगी नहीं प्लान कर सकते, बट एटलीस्ट आई नो दैट राइट नाउ आई फील दैट दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू टिल आई डाई, इवन व्हेन आई लैक ऑल द मनी. दिस इज अमेजिंग. आई थिंक दैट रियलाइजेशन कि द काम ही फल है एंड डूइंग द वर्क दैट यू ट्रूली एंजॉय डूइंग, दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग. If you feel excited about your work, that's the biggest tick mark. So when you feel that you're not getting that excitement about your work, then just think, take a step back. I think Milind very correctly mentioned, he said it took him a year to figure that out. And it's okay to give yourself that time. But it's important that the next thing that you jump into is something wherein you enjoy the journey as well. And and going back to my very first question, it doesn't matter if it's a corporate job, like Milind said in the starting only. Corporate job hai wo, chahe wo startup hai, chahe wo business hai, chahe wo kheti baadi ka kaam hai, chahe wo organic farming hai, chahe wo kuch bhi hai, chahe wo salesmanship hai, ki aap bahar jaake aap gaadiyan bech rahe hai, like Milind is doing, aap flat bech rahe hai, aap property ka kaam kar rahe hai. What something that gives you a kick, it gives you a high in the morning, that your work itself is like that high that you're like, yaar, aaj din khatam hua lekin maza aaya, I'm excited, I had a great day, exactly, yeah. And I'm looking forward to the problems the next day. The problems don't scare you anymore, you're ready to face them bang on. I think that's when you are truly enjoying the journey. That's a sign that aap journey enjoy kar rahe hain. And Milind is doing that, he's doing car sales. So all of you guys out there, it doesn't matter कि आपको गाड़ी का प्राइस ऑडी यू लाइक करे 90 लाख की है, बट सेकेंड हैंड कार्स, इफ यू आर स्केर्ड ऑफ द मार्केट, विच आई पर्सनली वॉज, एंड जस्ट वन कॉन्वर्सेशन विद द मैन एंड यू विल बी ब्लोन ओवर दैट वॉट अ बिग क्योटिक मार्केट दैट इज, बट ही इज अ गाय यू कैन ट्रस्ट. सो एनी वन ऑफ यू गाइज आउट देयर लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट लग्जरी कार, प्लीज गेट इन टच विद दिस गाय. Yeah, even if the deal doesn't happen, so I want to tell something, even if the deal doesn't work out, the conversation, what you learn in with each other in the process, I think that's totally worth it. And that's what Milind has been for me, at least. You know, I've learned a lot from him. I've not bought a car from him yet, though he has sent me messages and I've thought about it. I think I'll eventually convert one fine day. But yeah, I've learned so much about the whole market in general, and it's been amazing. And probably I'll have Milind over for a particular session on the second-hand car markets when we'll specifically talk about this market. And I hope, Milind, you'll be up for it and we can talk in detail about this segment. Would love to. This was more open. So yeah, that rapid fire reminded me, I have a couple of questions to end this. I'll take 1 minute before we move to the next step. What is the practical takeaway? प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है कि अपनी लाइफ में ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट जॉब हो या कुछ भी हो, एक्चुअली पैसे कमाना आज के जमाने में बहुत आसान हो गया है. तो आप जो अपना पैशन ढूंढना चाहते हो, या ये जो अब सुनने में अच्छा लग रहा है यार कि डूइंग समथिंग दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट, जो पहली बात और इस बात को अगर कनेक्ट करो, तो एक्चुअली आप जब तक पहला लेवल अचीव नहीं करते कि सारे सपने पूरे हो गए,
आप ये पैशन हाँ वाली चीज सोच ही नहीं पाओगे। ट्रू आप जो मर्जी कर लो, मैं टेड टॉक पे बोलता था 5 साल पहले, हाउ टू फाइंड योर पैशन इन लाइफ, आंखें बंद करो, इमेजिन आपके सारे सपने पूरे हो गए, और मैं ही नहीं कर पाया खुद कभी लाइफ में। मैं जब तक मैं रियली उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि हाँ यार इससे ज्यादा मैं नहीं एंजॉय कर सकता, दिस इज इनफ, तब मैं जाके, जब मैं वो ब्लैंकनेस पे आया, और इलॉन मस्क भी आया था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, इलॉन मस्क की लाइफ भी अगर आप देखो, उसने भी पहले जब कंपनी बेची 19 20 21 साल की लाइफ में, मैकलेरन ले लिया, आइलैंड ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसने भी सोचा यार कि ये तो कर लिया अब मैं क्या करूं। तो जब तक आप वो पहला चेक पॉइंट नहीं रीच करते, अगर आपने वो अब तक नहीं रीच करा है, तो आपको मेरी सारी बातें बीएस लगेंगी, बट अगर आपने पहला चेक पॉइंट रीच कर लिया है तो ही आप ये सेकंड जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड द टेक अवे इज कि वो पहला चेक पॉइंट बहुत आसान है रीच करना, जबरदस्ती यस ज्यादा ग्रीड में मत जाओ, 1 BHK ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 4 लेना है, मैंने 6 लेना है, समझो इस बात को कि लाइफस्टाइल को मैक्सिमम एंजॉय करने के लिए भी एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी एक टाइम पे 2 गाड़ियां नहीं चला सकते, ऐसे 2 लातों तो लगा नहीं लोगे, एक टाइम पे 4 फोन नहीं यूज कर सकते, iPhone 15 Pro अगर नहीं आया आप वो नहीं खरीद सकते, आप एक टाइम पे एक बेड से ज्यादा बेड में नहीं सो सकते। तो आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए, जो ग्रीडी लोग हैं ना वो नहीं कभी वो बात समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते, वो रैट रेस में लगते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार कि जिस चीजों के कारण मैंने छोटे से पढ़ाई शुरू करी थी, ये जॉब ली, इतनी मेहनत करी, अच्छा कॉलेज गया, वो मैं पहुंच गया हूँ, लोगों को पता नहीं लगता कि मैं पहुंच भी गया हूँ। आई थिंक आई गो देयर एंड आई ट्राई टू डिफाइन दिस इन अ लिटिल बिट. लाइक वी हैव लर्नड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी इन लाइफ, कम्फर्ट, और तीसरा होता है लग्जरी. ठीक है ना? तो आपकी लाइफ में ग्रोइंग अप, फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मिलिंस पॉइंट हियर, एक तो कुछ होती जो नेसेसिटी गिवन है, लाइक फूड, वाटर, जो सबके पास है, और कुछ थे जो कम्फर्ट थे, और कुछ थे जो लग्जरी थी. गाड़ी जैसे किसी के लिए लग्जरी होगी कि भैया 2 व्हीलर था घर में और गाड़ी एक लग्जरी थी. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो आपके एस्पिरेशन जिस रिगार्डिंग थे, जब आपका लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाए कि आपकी जो लाइफ में ग्रोइंग अप लग्जरी थी वो आपकी लाइफ के कंफर्ट बन चुके हैं, वो आपकी लाइफ में हाँ नेसेसिटी बन चुकी है कि भैया कमरे में एसी तो अब नेसेसिटी है, राइट? सो अगर आप वो अचीव कर चुके हैं, तो रादर देन क्रिएटिंग न्यू लग्जरीज फॉर योर सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू नाउ चेज दैट, सिट बैक एंड रिलैक्स के जो लग्जरी को आप ऑलरेडी कंफर्ट और नेसेसिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब यू आर ऑलरेडी देयर. सो नाउ सिट डाउन एंड थिंक दैट what would give your entire being and body that happiness, because when you get up in the morning you're not chasing something, you are in that moment enjoying that thing that probably you were chasing all the while long. So I don't know, it doesn't make sense, but I'm understand the concept there. Totally makes sense. Vati, log na apni win register nahi karte, a lot of people right now, jitne log question bhi puch rahe honge, they are already winners in life, they have done it all. Ab wo banda jo keh raha hai ki yaar mere andar confidence kaise aaye, bhai tum pehle ye to realize karo ki tumne kya kya achieve kar liya, log sochte hi nahi hai. खुद बैठ के कभी ये देखो यार कि आज से 5 साल पहले जो मैं कर रहा था, जो मैं सोच रहा था, आई वॉज प्रेइंग फॉर इट, वॉन्टिंग फॉर इट, वर्किंग हार्ड फॉर इट, आई हैव अचीव्ड इट ऑल. जब जब तक आप लाइफ में एक जगह विन नहीं करोगे या अपनी विन को रजिस्टर नहीं करोगे, आप अगली स्प्रिंट के लिए रेडी नहीं होगे. तो ये बहुत जरूरी है, आप पहले अपनी विन रजिस्टर करो, देन ओनली योर माइंड विल बी एबल टू थिंक क्लियरली. आई थिंक दैट्स ऑल टाइम है ना, लेट्स नाउ मूव. या या, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक. All of us are doing really well. We are all doing great, and it was a nice session. See, like I said, he's not a motivational speaker, but he does sound like one. But not I'm a registered. देखो पता नहीं लगा साला 50 मिनट निकल गया यार. Sorry for my. हाँ, I agree, and I always knew that. I that exactly. A conversation like this. Yeah, and that's exactly what I was telling Milan. So Milan was a little worried, like, what are you going to talk about? I gave him, I just to pacify him and his mind, I just sent him a list of questions. Acha, theek hai, ye questions hain. But I knew it's not going to happen like that. Exactly. Haan, but he's like, no, you gave me a lamba choda reply. Can we talk about something else and talk about current startup? I said, listen, we'll have a conversation. Wo apne flow mein ho jayega. Tum stress mat lo life mein. And that's exactly how what I wanted to do. Wanted to have a conversation with this guy because I have personally seen his journey and not been with him on his journey, but like basically milestones pe ke, you know, like jaise tum 3 kilometer ya, you know, 100 kilometer aage aate ho, and I'm like, okay, the guy is there, and I meet him, I have a conversation, there's a difference. So it's been a very different kind of journey that he's had, and but having a conversation with him has always been fun, and I wanted to bring that fun element, the learnings that have happened over the years, and truly every time I learn something new, and this time again it's a learning for me. There's so many takeaways from this session for myself particularly, and thank you so much for coming here. Quick rapid fire, jaise wo purana wala rapid fire ka rule tha, wahi hai ki fatafat aapko bas answer dena hai, no long explanations, quick answers. We have 3 questions for you and then we'll be out, we'll be finishing the session in time. What did you want to become when you were a kid? I wanted to be a pilot for no reason at all, but
मतलब ना, मतलब पता नहीं मैं प्लेन ही बनाता था घर फ्लाइंग पे, मेरे कार्स, मेरे पापा ने बोला था। बट आई थिंक ही फ्लाइंग कार्स नाउ, सो इट्स लाइक गुड इनफ, यू नो, यू आर बट नॉट यार फ्लाइंग प्लेन्स बट यू फ्लाइंग कार्स. कार थिंग हैज ऑलवेज बीन। और यू और आपको या बताता हूँ अब, क्योंकि आई थिंक वी हैव गुड टाइम अगले 2 के लिए। मेरा बेटा ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी इन अ वे, वाओ, बिकॉज ही बीइंग 4 years old, वो सारी कार्स पहचान लेता है। मतलब ऑन द रोड ही दिस इज सम आइडेंटिफाइज की ये ऑडी नाइस. A3 है, A4 है, A6 है या A8 है, ये BMW 3 सीरीज है, वाओ, 5 सीरीज है, ये क्रेटा पुराने वाली है, न्यू वाली है, ये होंडा सिटी पुराने वाली है या न्यू वाली है, या ये पापा ज्यादा पुराने वाली है। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देम, उनको भी पता चलता पता वाओ, नहीं कौन से निकल गई। ही कैन आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट एवरी कार। उसको देख के मुझे ये लगा, क्योंकि मैं भी ऐसा था, उसको देख के मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार अच्छा कुछ चीजें बहुत रेयर होती हैं क्वालिटीज में, और ऑब्वियसली यू नीड टू फाइंड योर रेयर थिंग, राइट। उसको देख के मेरे एब्सोल्युटली को अपनी क्वालिटी की रिस्पेक्ट आई, मुझे ये लगा यार कि राइट. हाँ यार कि मेरे में ये यूनिक क्वालिटी है जिसको आज तक मैंने कभी कमर्शलाइज ही नहीं करा या जिसके ऊपर मैंने फोकस नहीं करा। द यूट्यूब चैनल ऑल्सो दैट आई हैव राइट नाउ, जो मैं कॉलेज टाइम में भी या उसके बाद भी जो करता था, दैट वॉज ऑल जस्ट प्योर, मैं रॉ कुछ भी बोलता रहता था। और उसके बाद मैंने फॉलो अप नहीं करा इसे, सब्सक्राइबर उसके बाद बढ़े नहीं। तो मुझे बहुत लोग बोलते थे यार कि मिलिंद की यू शुड, कि तू नेचुरली बहुत अच्छा है इस चीज में, बट मैंने तब नहीं देखा। बट जब अपने बेटे में वो देखा कि जो 2-3 साल के बच्चे में वो चीजें हैं और वो मेरे में भी थी, तो मैंने रियलाइज कराया यार कि नहीं यार, देर आर सम नेचुरल गिफ्ट दैट यू आर बॉर्न विद, जिसको हम कभी ध्यान नहीं यस, देते बिकॉज हम दुनियादारी में फंस जाते हैं। जॉब करनी है, पैसा या कमाना है, दैट स्टार्टअप रैट करना है, ये करना रेस, है, वो करना है, और एब्सोल्युटली, सबके दिस अंदर एक जस्ट नेचुरल गिफ्ट है, पता है। आई एंड आई नो दैट एवरी वन हैज अ नेचुरल थिंग जो उनके दूर दूर तक लोगों में नहीं है। जिसने तो वो या पहचान ली ना यार, वो बंदा बहुत कामयाब हो गया। वी डू अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स. Okay, if you would get a chance to take over the life of any one person on this planet, who would it be? नो वन यार, सबके अपने झमेले हैं, No पता है। इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, one. आपको पता है 99% हम लोग कहाँ पे मिसगाइडेड हैं, स्पेशली मेरे एज की जनरेशन। 30-35 ईयर ओल्ड मैंने देखे हैं यार, मतलब कि वो भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाता है और उनको लगता है सब कुछ रियल है। Oh, उनको भी नहीं लगता crazy. कि ये वर्ल्ड आइसबर्ग टेंडेंसी पे चल रहा है, कि हर बंदे की हम खुशी देख रहे हैं। यार मैं एक बात गाइड करना चाहता हूँ, या फ्रेंडली बात करना चाहता हूँ, पता है, हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो जाए लाइफ में हमारी ना, मैंने अपनी एक आदत बदली। आपको हम ना सारे नजर से डरते हैं, राइट। अनुष्का विराट नहीं अपनी बेटी की शक्ल दिखाना चाहते, प्रियंका नहीं दिखाना चाहती, हम सारे नजर से डरते हैं। बट आपको पता है हम लोगों को कितनी नजर लगाते हैं? हम जब भी कोई बड़ा घर देखते हैं हमारे मन में आता है यार पता नहीं कैसे पैसे कमा रहा है, इमीडिएटली आता है यार, नेचुरली आदतें देखो कितनी खराब है। कोई बड़ी गाड़ी ट्रू, देखते हैं, अच्छा जी, कुछ भी देखते हैं ना, कुछ भी अनयूजुअली किसी का अच्छा देखते हैं, अच्छा जी। आई एम टेलिंग यू, आप जब जब ये नेचर चेंज कर दोगे ना, और लोगों ओ भाई भगवान इसको और दे, इसने कितनी मेहनत करी होगी, देन यू स्टार्ट बिकमिंग हैप्पी, सीइंग पीपल हैप्पी। इंस्टाग्राम पे लोगों की पार्टी की स्टोरीज देखते ना, आप जलने की बजाय ये सोचो यार बेचारा सुबह की मरा रहा होगा, शुक्र है रात को एंजॉय कर रहा। या किसी की वेकेशन की अच्छी नाइस, फोटो देखते हो, आप सोचो कि 3 महीने के बाद कितनी धक्का मुक्की खा के गया होगा। किसी के भी फ्रेंड्स के साथ हैप्पीनेस वाली सेल्फी देख के देखो यार कि बेचारा कितना स्ट्रेस होगा, कितनी देर बाद अपने दोस्तों को मिला होगा। जब आप लोगों की खुशी में उनको ब्लेसिंग्स देने लग जाओ ना, आप हर बार बोलो रब इसको और दे यार, किसी का बड़ा घर देखो बोलो यार रब इसको और दे यार, आप मानोगे आप अपने अंदर की एनर्जी चेंज कर लोगे। हम हमेशा बोलते हैं, लोग ये सोचते हैं, लोग आजकल दुनिया नजर लगाती है, दुनिया बुरा बोलती है, हम भी तो करते हैं। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, एक बार ये आदत एब्सोल्युटली, चेंज करो, मैंने ये 2-3 साल पहले चेंज करी और मेरी लाइफ की ग्रोथ और फास्ट हो गई। आई जस्ट स्टार्टेड वाओ, बिकमिंग हैप्पी, सीइंग एवरीवन हैप्पी। मैं कहा वाह यार इसने भी ये गाड़ी ली है, वाह यार इसने कोठी बड़ी ले ली, वाह यार इसकी अच्छी जॉब लग गई, वाह यार अच्छा इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है। एंड आई हैव सीन पीपल यार, मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वो इंस्टाग्राम मैसेज लाते हैं, आए हाय हाय अच्छा, ओहो अच्छा ये उधर, अच्छा ये उधर, अच्छा उधर चला गया। एंड एंड 90% पीपल डू दिस, दे आर नॉट हैप्पी यस, सीइंग दैट्स पीपल पोस्ट। It's, और there's a word for it. It's called toxic. I think there's a proper word for it. That basically, you keep on reading the news that keep giving you depression, and you keep on swiping, keep on reading it, keep on reading on एग्जैक्टली, about it, एंड द because मेन it थिंग is इज adding to your हम stress. किसी के अच्छे मोमेंट्स, टॉप मोमेंट्स, अपने करंट परेशान मोमेंट्स से जो हम कंपेयर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट ऑनलाइन, आई नो दैट, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ लोग नहीं समझ रहे, पीपल आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट इन देयर लाइफ्स, दिस इज ऑल बुलशिट। Absolutely. एक्चुअली यू शुड कंपेयर योरसेल्फ टू योर पास्ट वर्जंस। कोई बंदा मैं मिला कभी नहीं बात करता यार, मैं साल पहले ना ऐसे घूम रहा था, अब मैं ऐसे घूम रहा हूँ, पता 2 साल पहले मैंने भगवान से चीज मांगी थी, आज मेरे पास है, कोई बात नहीं करता ये। नो वन टॉक्स लाइक दिस, आई मीट एनी वन, एवरी वन इज सेइंग यार वो ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। आइदर अगर वो अपनी बात करेंगे तो इगोइस्टिक लेवल पे करेंगे,
पता मैं ऐदा मैं उदा या मैं ऐसे हूं मैं आई वैसे थिंक इन हूं। सोशल मीडिया यू स्टिल शोइंग ऑफ, बट आई फील इन कॉन्वर्सेशन स्टिल यू फील कि अगर मैंने अपना पॉजिटिव बता दिया तो नजर लग जाएगी. ओ माय गॉड, द कॉन्वर्सेशंस आल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट हैव बिकमिंग आर हैव बिकम सो नेगेटिव. एवरीबॉडी इज कंप्लेनिंग, एवरीबॉडी इज गोइंग नहीं यार इतना ऐसा कोई अच्छा थोड़ी ना है, उसमें भी प्रॉब्लम. मतलब ढूंढ ढूंढ के यू टेक आउट प्रॉब्लम्स इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड यू सो फोकस्ड ऑन इट बिकॉज़ यू टॉकिंग अबाउट इट डे इन डे आउट, एंड अनफॉर्चूनेटली दे बिकम बिकॉज़ वी आर सीइंग देम ऑनलाइन। आप दुनिया में किसी आप पूरे दिन में अगर 40 लोगों के बेस्ट मोमेंट्स देखोगे और अंदर सड़ते कुड़ते रहोगे, अगर आपने वो आदत नहीं चेंज करी ना, आई एम टेलिंग यू बहुत मुश्किल है आदत चेंज करनी है। सीन पीपल मुझे लगता है उनको बीमारी लग चुकी है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बहुत समझाता हूँ फिर भी नहीं बदलते वो। आप जब दुनिया के 40-50 लोगों के बेस्ट और 40-50 मैं लोअर लेवल पे कह रहा हूँ, वी सी अ लॉट मोर देन देम, राइट, कि चालीस पचास लोगों के बेस्ट मोमेंट्स देख रहे हो, और अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं करा उन बेस्ट मोमेंट्स के अंदर खुशी देने का या ब्लेसिंग देने के लिए, तो ऑब्वियसली आप कंप्लेनिंग बंदे बन जाओगे। आपको रोज लगेगा मैं इस चीज में पीछे हूँ, ये मेरे से इसमें आ गया, मेरे से उसमें आ गया, मेरे से उसमें आ गया। तो ये मैच्योरिटी बहुत जरूरी है यार। अगर आप ये नहीं लाओगे ना, अपने आप को अपने पास से कंपेयर करने की बजाय लोगों से कंपेयर करोगे, तो आपके लाइफ में नेगेटिविटी चलती रहेगी। Absolutely, and it's an incorrect comparison. That whole iceberg principle is so true. You just see the tip of the iceberg. What you're seeing, you don't know what is going on behind the scene. You have no idea about what difficulty or what is the problem that the person is facing. So, absolutely, in agreement there, in 100% agreement there. What an amazing session. Thank you so much, Milind. That and yeah, we have viewers telling us yes. Yes, some viewers are saying yes, they're staying. So yeah, it's a good sign, Milind. People did stay with us for the whole 1 hour, you know, though I told them that yeah, we'll be ending the session by say 45 minutes. And yes, so it's so nice. Thanks a lot, Milind, for coming for this session. Thank you so much for the brilliant insights. I think people here loved it. We are seeing so many good comments coming in. Thank you guys for joining in today. Thanks, Milind, for joining in today. Oh, there was a third rapid fire question also. Wait, let me see, where is it? If given one wish right now, what would it be? One wish right now. सारे लोग खुश रहे, सारी दुनिया में जो जो मेहनत कर रहा है उसको अपनी मेहनत का फल मिले, और लोग एक टॉक्सिक नेगेटिव साइकिल में अपने साथ ना घुस जाएं। बिकॉज सबसे बुरी बात होती है जब लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो कहाँ गलत थे जिनके कारण उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम चल रही है। आई वॉन्ट कि सारे लोगों को दुख मिले, बट वो लर्निंग वाला कंस्ट्रक्टिव दुख हो, वो शॉर्ट टर्म दुख हो, उससे वो ग्रो करे, उनकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर जाए, रादर देन वो उस दुख की विशेष साइकिल में फंस जाए। Because that's the worst thing that can happen to anyone, and only by God's grace or blessing. That's why I pray कि यार कि कोई बंदा एक particular दुख में long term ना रहे, वो दुख आए उसको lesson मिले और वो आगे चले जाए। That is what I pray for everyone. That is the wish. What a happy thought. Everyone gets happiness. That's what Milind is wishing for. And what an amazing and happy session. At least जो लोग इस LinkedIn session में हमारे साथ end तक हैं, उन सबको तो lots of happiness and Milind's wish is coming true. I am sure of it. Let's positive manifestation. सारे हम spirituality वाले words आज use करेंगे. You know, positive feelings. And very correctly said, you are what you say and what you think, right? At the end of the day. I mean, you wish people success. You wish people happiness. You will get success. You are surrounding yourself with those positive energies and thoughts, right? कि success आए सबको वो आए, तो आपको भी success मिलेगा, आपको भी happiness मिलेगी, automatically हो जाएगा. नहीं, मतलब and ये your सोच parameters of नहीं success will change. मतलब ये सोच के नहीं देना, no, 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 not that. But it will, you will be there at a place. Actually, what I've realized is that आप अपने parameters of success भी बहुत difficult बना लेते हैं जब आप comparison करते हैं, right? Because आपने compare करके दूसरे के पास एक वो particular इतना महंगा गाड़ी देखा, वही आपके दिमाग में आ गया, तो आपने parameter of success ही change कर दिया. अब parameter जो आपने बोला Milind, that if it's happiness and you wish everyone कि जो उसको चाहिए उसको मिले, तुम्हारा अपने आप parameter in your mind becomes such that you are happy with the 20-25 lakh वाली गाड़ी, और तुम्हें बहुत खुशी होती है उसे देखकर. और एक तरह तुम 25 लाख की गाड़ी घर लाकर भी रोने बैठ सकते हो कि यार लानी तो मुझे 70 लाख वाली थी, मैं तो 25 लाख वाली लेकर आया, राइट? सो दैट आई थिंक दैट माइंडसेट चेंजेस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी वर रेफरिंग टू एट द एंड ऑफ द सेशन. वी हैव यशश्री सेइंग हरे कृष्णा एंड सेइंग यस यू राइट. Thank you so much. What a beautiful session. We are ending at a spiritual note. We started with startups. We talked about mindfulness, happiness. Amazing, amazing, happy session. Thanks a lot, Milind.
Thank you everyone for joining it, and good night, and see you next week for our session. It's a Mother's Day special. We'll have myself, a mother of a 2-year-old, and we'll have two other amazing women, one a mother of a teenager and the other one managing two kids, one a teenager and another a toddler. So yeah, and we'll be calling it Mom Life. So we'll be calling it Mom Life Balance, Milind. Mother's Day is on 14th of May. I'm so happy that you are talking about this. Yeah, so 11th May, guys, we are talking about it. I'll be sending all of you the invite who joined this session. Please join us, and we'll be talking about moms, kids, the difficult questions that kids ask us. I'll see you in the next session, and Milind, we'll hopefully host a session soon on second-hand cars particularly. I think the viewers want to know a lot more about it, and we want to know more about the Porsche you're sitting in. That's like a dream car for me. So thank you so much. Thanks, guys. Really, thank you, Milind. Thank you. Milta. Okay, yes. Bye-bye. Yes, bye-bye. Take care.